Strong viewers. My name is Anjima I welcome back with another video of Capital Smart City. Today's video about Capital Smart City Overseas Prime. सेक्टर सी के हवाले से एक्सप्लेन करूँगा सेक्टर सी में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है मे जून और जुलाई को अगर कंपेरिजन करें तो जो मैसिव चेंजेस आए हैं वो जिन सेक्टर्स में हैं ओवरसीज प्राइम में वो जी ब्लॉक है वो एच ब्लॉक है वो ई e है और एफ है बाकी सी ब्लॉक की जहाँ तक बात है सी ब्लॉक में ज़्यादा से ज्यादा चेंजेस आएंगे पिछले तीन महीने में या एक क्वार्टर में कह लें तकरीबन फाइव टू टेन परसेंट का फर्क पड़ा होगा वरना आमतौर तौर तो पर वही रूटीन है वही डेवलपमेंट है जो ऐसे तीन माह पहले थी कोई को बड़े मैसिव चेंजेस नहीं आए जहाँ तक बात है सी ब्लॉक की लोकेशन की और सी ब्लॉक में प्लाट जो जिस तरह के प्लाट वहाँ बनते हैं तो सी ब्लॉक की लोकेशन जो है बहुत अच्छी लोकेशन है क्योंकि सी ब्लॉक एक वाइट ब्लॉक है जो दोनों एक्सेस रोड के कम्यूट के सेंटर में अवेलेबल है अगर आप एक्सेस रोड वन सेंटर होते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में तो ओवरसीज प्राइम सेक्टर जी सेक्टर एच को डिवाइडर रोड जो है वो कनेक्ट करता सीधा आके सी ब्लॉक के साथ और अगर आप ब्लॉक एक्सेस रोड टू सेंटर होते हैं जो वन फीट वाइड रोड है तो उससे तो डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल है यानी गेट से आप लेफ्ट होते हैं तो डायरेक्टली सेक्टर सी में आ जाते हैं तो यह होगी ओवरऑल लोकेशन की बात जहां तक बात है सेक्टर सी में कैटेगरी ऑफ प्लॉट किस कैटेगरी के प्लॉट है सेक्टर सी में तो सेक्टर सी में आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ बारामला के प्लॉट हैं 40 बाय सिक्सटी एट यार्ड्स में बात करें तो तीन सौ गज़ और अगर मरलों में बात करें तो बारह मरला के प्लाट हैं इसके अलावा किसी दूसरी कैटेगरी के प्लाट सेक्टर सी में अवेलेबल नहीं है सेक्टर सी में कुछ कॉर्नर प्लाट डेफिनेटली होंगे जो कॉर्नर प्लाट विद एक्स्ट्रा लैंड होंगे उनके डेफिनेटली डिमांड वो जो एरिया है वो ज्यादा होगा बाकी तमाम के तमाम प्लाट सिर्फ मरला के हैं इस वक्त में सिन को कपटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ प्राइम का जो मास्टर प्लान है वो देख सकते हैं मैं ओल्ड मास्टर प्लान यूज़ कर रहा करूँ की इसमें ज़रा पिक्सल्स क्लियर हैं और काफ़ी हद तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मैप की क्योंकि सारी चीज़ें रिटर्न है वो क्लियरली विजिबल होती है वैसे न्यू मैप दिखा देता हूँ न्यू मैप और पुराने मैप में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि न्यू मैप और पुराने मैप में जो सिर्फ चंद ब्लॉक्स हैं इनका फर्क आया है बाकी ऐसा कुछ नया कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है तो ये न्यू मैप है इस पर ज़्यादा पिक्सल क्लियर नहीं है तो मैं इसलिए ओल्ड मैप यूज़ कर रहा हूँ एनी केस ये जो मैप है इसमें टोटल जो स्ट्रीट्स बनती हैं प्लाट्स बनती हैं इसमें तीन लेन्स बनती हैं और आई थिंक चार या पाँच स्ट्रीट्स बनती हैं छः स्ट्रीट टोटल तो ये एक छोटा ब्लॉक है और इसकी एलिवेशन बहुत अच्छी ब्लॉक है ई तो और सी ब्लॉक की एक भी अच्छी जाकर देखेंगे तो आपको मजीद इसमें आइडिया हो जाएगा जैसे मैंने के प्लॉट अवेलेबल है।, कि एक ही है वो बनता है इसमें बार मरला का चालीस बाय अड़सठ अगर मरलों में बात की जाए बारह मरला और गजों में बात की जाए तो तीन सौ गज का प्लॉट बनता है तो ओवरऑल इसकी लोकेशन इसको मैं आपको लाइट करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें स्टेटस है क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जमीन पर डेवलपमेंट है इस तरह ये अपडेटेड इमेजेस नहीं है अपडेट नहीं हुई तो जब अपडेट होंगे इन आने वाले दिनों में तो मैं आपको दोबारा कर दूंगा फॉर द टाइमिंग इससे आप काफी हद तक आइडिया लगा लेंगे कि साइट डेवलपमेंट जो पिछले दिनों में चेंजेस ये अगर आप इमेज देखें तो आपको बनती है जनवरी 2021 की इमेज यानी एक साल पहले की इमेज और आज की डेट में डेढ़ साल पहले की इमेज और आज की डेट में ये चीज़ें जो साइड पर डिफरेंस हैं वो कुछ यूँ तरह इस तरह से है तो इस तरह सारे का सारा ब्लॉक नहीं तो तकरीबन एटी नाइनटी परसेंट ब्लॉक ऐसा है जिसका पोजेशन सोसाइटी आज की डेट में पोजेशन ऑफ़र करने की पोजिशन में है होपफुली एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी आने वाले दिनों में जो बाकी रिमेनिंग प्लाट्स भी हैं उनका पोजेशन में मुकम्मल करेगी और तमाम के तमाम प्लाट्स एकदम पोजेशनेबल हो जाएंगे और जो इंडिविजुअल चाहेंगे साइड पर बारह मरला का अपना घर बनाना वो उनको इजाजत होगी अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ये ओवरऑल मैप की डिटेल थी इस सेक्टर के हवाले से तो बाकी मैं चीजों को वीडियो में आगे जाकर एक्सप्लेन कर देता हूं अगेन बैक रियल टाइम फुटेज स्क्रीन पे दोबारा सेक्टर सी के जो ऑन ग्राउंड एज ऑफ मिड ऑफ जुलाई 2022 की फुटेज आप देख सकते हैं अभी साइड पे जो uh, आने वाले दिनों में अगर मैं बात करूं या इस वक्त पिछले तकरीबन दो से ढाई माह के पैच की बात करूं तो साइट पर डेवलपमेंट की स्केल में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ बल्कि डेवलपमेंट का स्केल जो है वो स्लो हुआ है इवन दो ओवरसीज़ीज़ प्राइम की डेवलपमेंट पहले बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल से जारी थी अब डेवलपमेंट की स्केल थोड़ी सी कम हुआ है अब ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रही है वो ओवरसीज़ सेंट्रल वाली साइड पर जहाँ पर रिंग रोड है सेक्टर ए है सेक्टर बी सेक्टर सी उस साइड पर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है यानी काफ़ी ज़्यादा जो मशीनरी है डिप्लॉयड है वो साइड पर है और गोल्फ फोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशीनरी डिप्लॉयड है अगर देखें आप ओवरसीज़ प्राइम की नस्बत डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीनरी इन गोल्फ कोर्स तो दोनों में बड़ा फर्क है बल्कि इससे थ्री टाइम्स फोर टाइम्स ज्यादा मशीनरी आपको वहाँ पे गोल्फ कोर्स में काम करती हुई नज़र आएगी या सेंट्रल वाली साइड में बहुत ज्यादा मशीनरी डिप्लॉयड है इसके अलावा बाकी ओवरसीज प्राइम में डिवेलपमेंट जो वो वो तो वो तो वो वो तो प्रीवियस मंथ अभी डेवलपमेंट जो स्लो है आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हो सकते सोइटी की तरफ से इसके डेवलपमेंट में काफ़ी तेजी आए लेकिन आज की डेट में जो डेवलपमेंट है वो अपनी स्क्रीन पर विटनेस कर सकते हैं कि आज की डेट में डेवलपमेंट का स्टेटस जो है ओवरसीज प्राइम में वो कहाँ स्टैंड करता है स्पेसिफिकली इन सेक्टर सी इससे पहले मैंने सेक्टर जी सेक्टर एच की वीडियो बनाई थी

मैं किसी और वीडियो में उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा बहल वो एक प्राइम ब्लॉक में डेफिनेटली एक बड़ा चेंज नजर आता है और बाकी जो अपोजिट साइड पर कैंप ऑफिस है सोसाइटी का जहां पर सोसाइटी के अपने वर्कर्स एम्प्लॉयज रहते हैं वहां भी काफी ज्यादा न्यू बिल्डिंग्स बनी है सो दिस इट फ्रॉम टुडे अगर आप कैपिटल स्मार्ट लाहौर स्मार्ट बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे वाट्सअ कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा hafes